दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने वाला है दुबई फ्रेम और दुबई फ्रेम के ऊपर चढ़ के पूरा दुबई देखने को मिलता है ये सभी और दुबई फ्रेम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है और ठीक दुबई फ्रेम के एंट्री का टिकट कितना लगता है ये सभी जानकारी इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तोंजे तमांग, मेरी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों नमस्ते। सो आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला है दुबई के फ्रेम। दुबई फ्रेम हम लोग घूमने आया है, उसके अंदर कितना टिकट लगता है उसके अंदर जाकर दिखाने वाला हूँ और उसमें क्या क्या देखने को मिलता है वो सभी उसके अंदर जाकर दिखाने वाला हूँ। जो मेरे पीछे है दुबई फ्रेम देख सकते हैं, तो हम लोग अभी जा रहा है और उसके ऊपर जाके क्या क्या देखने को मिलता है सब दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दुबई फ्रेम जाने से पहले ये सभी गार्डन होकर जाना पड़ता है। यदि आपके पास बजट कम है तो मेट्रो में जा सकते हैं और मेट्रो में आ सकते हैं। मेट्रो की स्टेशन होगी मैक्स मेट्रो स्टेशन होगी और लोग तो देखिए यहाँ पर इतना बस है जो ये सभी बस में आता है और जाता है। ये सभी लोग बस बुकिंग करके आता है, ग्रुप बनाकर बड़े बड़े लोग आते हैं, कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। ये सभी बस देखिए, ये जो लोग घूमने के लिए आते हैं विजिटर का बस है ये। और मैं आके जाते रहता हूँ तो आके सामने एक मेट्रो बस भी दिखता है यहाँ पर। और मेट्रो बस आपको F9 वाला बस आता है और सामने दिखता है जो ये बस ही है, बस का नंबर वही है F9 है। F9 का बस यहाँ पर आता है, मेट्रो बस। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो टैक्सी में भी आ सकते हैं ये दुबई फ्रेम पर। अभी हम लोग को जा रहा है जो काउंटर के तरफ, जो काउंटर जो आप देख सकते हैं सामने है, यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप इसको क्लिक करके स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। ठीक है, टिकट काटने के बाद आपको अंदर जाना पड़ता है। जो ये अंदर गया हूँ मैं टिकट काट के, टिकट का प्राइस था 52 दिरहम। आपको एक इंसान का 52 दिरहम टिकट का प्राइस काट लेकर अंदर जाना होगा। जो 52 दिरहम का टिकट काटने के बाद आपको अंदर जाने के मिलेगा, लेकिन अंदर जाने के लिए भी लगभग आपको लाइन में खड़ी होना होगा। हम लोग ने तो लगभग एक घंटा लाइन में खड़ा हो गया है इसके अंदर जाने के लिए। अभी यहाँ आधा पहुँचा है और इसके ऊपर जाने के लिए तो अभी कुछ देर लगे ऐसा लगता है फिर से। और ये 150 मीटर के ऊपर से दुबई कैसा देखता है ये इसी वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर जा किधर से जाता है और नीचे किधर से आता है, ऊपर क्या क्या है, ये सभी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलिए। यदि आपको इसी तरफ का जानकारी के साथ में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फ्यूचर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों ये जो भी आप देख रहा है, जो विजिटर सभी VIP लोग हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक लोग और आउट ऑफ कंट्री का पीपल देखते हैं। यू कैन सी ऑल दिस पीपल, यू नो दैट सभी VIP लोग हैं। जो नॉर्मल के लोग तो नहीं देख रहे, जो सभी बड़े बड़े बिजनेस के लोग ही देख रहे हैं। जो दुबई फ्रेम के अंदर जाने के बाद कुछ समय के बाद अंदर जा पहुंचता और अंदर पहुंचने के बाद ये सभी अंदर का डिजाइन डेकोरेशन किया हुआ दिखता है जो हम लोग को अंदर गया। और दो नंबर के स्टेप में चढ़ने के बाद ये सभी दिखता है कि ये अरबिक भाषा में पुराना ज़माने का ये सभी दिख रहा है। पुराने सामान, पुराने डिजाइन किया हुआ कुछ दिखता है इसके अंदर। थोड़ा सा अंधेरा दिखता है तो उसके अंदर देखिए ये सब पुराना ज़माने के सामान है। ये पुराना कब का ज़माने का सामान है, ये पुराने ज़माने के सामान ये दुबई फ्रेम के अंदर एक साइड से देखा, क्योंकि हम लोग अभी एक साइड से जा रहा है। शायद नीचे आने के लिए दूसरे साइड से आना पड़ता होगा। अभी यहाँ सभी पुराना ज़माने का सामान है, पुराने सामान है। थोड़ा अंधेरा सा लगा और लेकिन ये अंधेरा में पुराने सामान सब रखा हुआ है, पुराने ज़माने का मटेरियल रखा हुआ है। ये सभी पुराने ज़माने का ग्लास से सभी है।
ये सब पुराने ज़माने के सामान है। ये सभी दुबई फ्रेम के अंदर एक साइट में रखा हुआ है, जो हम लोग ऊपर जाने के टाइम पे सब ये सब देखने को मिलता है। पुराने ज़माने का ये सभी सामान पुराने ज़माने के है यहाँ पर भी, और दुबई फ्रेम के अंदर का ये सभी है जो आपको इस वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग ऊपर लीक से जाना पड़ता है ऐसा लगता है। ये सब एकदम पुराना ज़माने का सामान है यहाँ पर सभी, क्या क्या है हमें तो नहीं पता, लेकिन ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये सब क्या क्या है, पुराना ज़माने का सामान है ये सब, नहीं पुराना पुराना सामान है। इसके अंदर अरबिक एक सर भी दिखता है। और दोस्तों ये सभी देखने के बाद आपको ऊपर जाना होगा, और हम लोग ऊपर जा रहा है। देखिए ऊपर जाने के बाद भी एक साइड से पूरे दुबई देखने को मिलता है, और फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गया है। ऊपर पहुंचने के बाद तो ऐसा देखा, देखिए ये सब सबसे टॉप के ऊपर पर ये है, और सबसे टॉप पर पहुंचने के बाद बीच में एक शीशा देखने को मिलता है, और आपको ये शीशा से नीचे ज़मीन में देखना के लिए शरीर में जसंग हो जाते हैं। मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मुझे डर लगा, इसके लिए नहीं देख रहा हूँ। अभी ऊपर से अभी आजू बाजू सभी एरिया का वीडियो बना रहा हूँ। एकदम बबाल है ऊपर, सबसे ऊपर बबाल है, पूरा दुबई देख रहा है। देखिए पूरा दुबई देखने को मिलता है ऊपर जाने के बाद, और यहाँ पर आपको खाना पीना नाश्ता भी है ऊपर। इतने ऊँचाई जगह पर खाना नाश्ता भी उपलब्ध है, आपको ये सब भी सुविधा देखने को मिलता है। ये सबसे दुबई फ्रेम के टॉप के ऊपर खाना है, देखिए नाश्ता है जो ब्रेकफास्ट आपके लिए, दिस इज ब्रेकफास्ट। देखिए इसके ऊपर जाने के लिए मैंने बता चुका हूँ कि टिकट का दर है जो प्राइस आपको। यहाँ पे एक लड़का बहुत डेंजर है, ये तो इसको डर भी नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग को बहुत ये नीचे देखने के लिए बहुत डरता है क्योंकि ऊँचाई किसे, इतना ऊँचाई से लड़का दिख। ओके इसके ऊपर जाने के लिए आपको पहले बोला कि 52 दिरहम का टिकट काटना पड़ता है, एक ऑनलाइन से भी काट सकता है और बाहर के जो काउंटर में भी काट सकता है। ऑनलाइन से काटिंग अगर ऑनलाइन से टिकट लेता है तो परचेस करते हैं तो आपको डायरेक्ट जाने के लिए अनुमति मिल जाएगा, नहीं तो आपको काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर जाके ये सभी दुबई देखने को मिलेगा। देखिए बुर्ज खलीफा भी दिखता है यहाँ से पूरा का पूरा एरिया, और इस नीचे इतना छोटा छोटा दिख रहा है इतना बड़ा। देखिए दोस्तों मैं दुबई के ट्रैवल संबंधित के वीडियो बनाता हूँ, जो ऐसा ही जानकारी यदि आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ और खुद बनाता हूँ, दूसरे से क्लिप नहीं लेता हूँ, मैं खुद दुबई में रहता हूँ। दुबई का फ्रेम, दुबई फ्रेम के ऊपर हम लोग आया है, तो एकदम मज़ा एंजॉय किया है। तो आप इस अभी जाने के लिए लाइन है, आने के लिए भी बहुत लाइन से आया, अभी हम लोग को जाएगा मुझे पूरा लाइन में दिखा हुआ अभी जाने के लिए। और अच्छा है, और ये साइड से आपको देखने को मिलता है दुबई करामा साइड का व्यूज है ये। देखिए ये करामा बर दुबई देरा साइड का व्यूज है ये सभी है, और दूसरे साइड से ये साइड से मैंने दिखाया बुर्ज खलीफा साइड, और दूसरे साइड से करामा बड़ दुबई साइड का व्यूज है। दोनों साइड चारों साइड से देखने को मिलता है। उसके बाद में हम लोग नीचे आता है, तो नीचे लीक से आने के बाद में ये रास्ता देखने को मिलता है। अंदर एकदम डिजाइन किया है, डेकोरेशन किया है, पूरा का पूरा एकदम क्या पिक्चर के टॉकिज के अंदर जैसा बनाया हुआ है। देखिए एकदम मस्त मज़ेदार का सीन है, एकदम हम लोग ने इंजॉय किया है। अभी नीचे आ रहा हूँ, और नीचे से एक साइड से गया था, मैं पहले बोला कि एक साइड से आना पड़ता है, जो उसका भी वीडियो दिखा रहा हूँ, जो दूसरे साइड से आ रहा हूँ वो सभी वीडियो दिखा रहा हूँ। नीचे आने का रास्ता देख, गुफा जैसा एकदम चकाचक है, यहाँ पर भी लोग एकदम मज़े ले रहा है, क्योंकि ये भी कुछ अजीब सा डिज़ाइन किया हुआ है जो एक साइड में से, दोनों साइड से मैंने दिखाया हूँ। पहले के साइड में पहले दिखाया पुराना ज़माने के सामान था, तो दूसरे साइड में डिजाइन किया हुआ है ऐसा, जो दुबई फ्रेम के अंदर का सीन है ये सभी।
और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा साइड में आता हूँ तो ये सब है। अभी हम लोग आगे जाते रहता हूँ नीचे आने के लिए। ये सब डिजाइन किया हुआ है जो दुबई फ्रेम के अंदर का डिजाइन है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्या है सामान, ये इधर के सामान का नाम क्या है सर जी? यस सर। हाँ, ये सामान क्या है? ये सेंड आर्ट है। सेंड आर्ट, सेंड आर्ट, एकदम नया डिजाइन दिखता है। नहीं चल, इसका भी फोटो ले लिया। थैंक यू। क्या है दोस्तों, फाइनली हम लोग ऊपर से नीचे आया हुआ दूसरे साइड से बाहर निकल गया हूँ। जो बाहर का व्यूज भी दिखाता हूँ कि कैसा है क्या है। इतना ऊंचाई के ऊपर जाके हम लोग नीचे आ चुका हूँ और ये सब गार्डन है। बाहर निकलने के बाद ये सब देखा, ये सब बाहर का एरिया है जो ऊपर से आने के बाद यहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। 52 दिरहम का टिकट काट के जो दुबई के ऊपर जाके अपनी सपना पूरा कर सकते हैं अभी दुबई पूरा देखने का। और यहाँ आगे देख रहा है वाटर फाउंटेन शो, जो लोग सामने लाइन में बैठा हुआ दिखता है उसको जो बोरिंग हो जाता ना, उसके लिए ये फ्रेम के नीचे वाटर फाउंटेन शो कंटिन्यूसली दिखाता है। देखिए लोग कितना लाइन में आगे, तो उन लोगों के लिए अरबिक गाना के साथ में म्यूजिक लगा के म्यूजिक के साथ में ये वाटर फाउंटेन शो देखते रहते हैं क्योंकि लोगों को मनोरंजन हो जाता है इसकी वजह से। दोस्तों, दुबई फ्रेम के अंदर के बारे में, बाहर के बारे में जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, सभी इसी वीडियो में बता दिया है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ भी जानकारी मिली है आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।